हाय एवरीवन, मेरा नाम है मेघ गौतम और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे इस चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं और हमारे साथ हमारी सबकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लामा फेरा, हीलिंग मास्टर डॉक्टर खुशी हैं। सो डॉक्टर खुशी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बहुत अच्छी हूँ और हम आपसे मिलके तो हमेशा हमें खुशी होती है। तो अभी तक जो हमारे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं उस पर काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया है और डेफिनेटली लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं, हमारे पास उस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट भी आई थी और देखा जाए तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, मेडिटेशन। सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो किस तरह से एक्चुअल में मेडिटेशन होता क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे हम उसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है आजकल के लाइफ में। हम मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऊर्जाएँ होती हैं। जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई और आप तबीयत खराब होने के बाद आप क्या करते हो, बेड रेस्ट कर लेते हो, तो बॉडी को लेके एनर्जी हमारी कम हो चुकी हमें फील होता है। जब आपकी हाई एनर्जी रहती है, जब आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से काम करते हो, मतलब आप एनर्जी से ऐसे काम कर रहे हो कि दिन भर में कितने भी काम हो जाए आपके, आप थकते नहीं हो, वो एनर्जी आपकी कंटिन्यूसली रहनी चाहिए आपके अंदर। जैसे बोलते हैं ना कि बाहर की नेगेटिविटी, हम कहते हैं ना कि हमें वायरल हो गया, फीवर हो गया, ये चीज़ें आपके अंदर ना आए, इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा जो है ना लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन आना आजकल का क्यों तो यूथ में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है कि डिप्रेशन आते रह रहा है, क्योंकि रिश्तेदार पहले की तरह रहे नहीं है, रिश्तेदारी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं घर पर भी जो एनर्जी जो है, परिवार में जो हमारे संबंध है, कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, माँ बाप से नहीं बनना, या फिर कहीं ना कहीं मम्मी पापा को हमारी चीज़ें पसंद नहीं आना, काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन भी शो हो चुकी है। तो इन्हीं कारण जो है ना, इन चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए, गुस्सा एंगर दूर हो जाए, मन अशांत रहे, मतलब अनस्टेबिलिटी रहे, तो ये अनस्टेबिलिटी जो है आपके लाइफ में जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख देती है। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए अगर आप स्टेबल रहो, आपके जो भी काम है अच्छे तरीके से आप एनर्जी से काम करें, कोई कोई होता ना कि मतलब तबीयत खराब है, बुखार भी, तो भी उठ के काम कर रहा है, तो उसकी एनर्जी उसकी तरफ कैसे पहुँच रही है, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, तो वो मेडिटेशन कर रहा है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके बॉडी में आप जो है ना यंत्र के द्वारा, जैसे कि आपकी जो सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी जो है आपको प्रोवाइड करती है हर काम करने के लिए, हर चीज़ से लड़ने के लिए। ना ही आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, ना ही आपको फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें होगी, ना ही आपको ऐसे अनगिनत चीज़ें होगी जिनके कारण आप परेशान हो रहे हो। तो इसलिए मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि मेडिटेशन सब लोग अपने हिसाब से भी करते हैं, एक प्रोसेस भी होता है, तो एक नॉर्मल हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस होता है जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान मेडिटेशन शुरू कर सकता है, और क्या उसका कोई कहीं सही समय होता है, वो भी आप बताइए। जैसे मेडिटेशन का समय दो समय होता है, एक सुबह कर लीजिए मॉर्निंग में जब उठे तब, या फिर शाम को कर लीजिए। सुबह अगर आप मेडिटेशन करते हो तो अगर नॉर्मल तरीके से, अगर आपको बहुत इजी तरीके से कुछ सीखना नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको मेडिटेशन सिर्फ ऐसे करना है कि ओम के उच्चारण ज़्यादा करने हैं। ओम के उच्चारण आपने दिन भर 21 बार करते हैं, जैसे कि पहले जो है बचपन में सिखाया दिया जाता था कि ओम के उच्चारण कैसे करने, अभी नहीं सिखाते। आपने बहुत ज़ोर से जो है ब्रीदिंग ली और फिर छोड़ते समय ओम का उच्चारण कर लिया, ठीक है। स्कूल्स में हमने भी स्कूल में सीखा पहले, इसी तरह पहले करते थे, अभी नहीं करते। अब तो ओम का उच्चारण ही पता नहीं है, अब तो जैसे मेरे भी बेटी है तो उनका ओम का उच्चारण पता ही नहीं है। अच्छा, तो अभी मैं सिखा दिया है, तब से उनको पता है कि ओम का उच्चारण कैसे करते हैं। तो सुबह उठो और नहा धो के जो है ना मंदिर के सामने बैठ जाओ, ब्रीद लेते लेते ओम, छोड़ते समय ऐसे ओम का उच्चारण डेली होना चाहिए 21 बार। अच्छा, अगर इससे और ज़्यादा आप एडवांस करना चाहते हो तो जैसे कि बाहर अभी काफ़ी टाइम लोगों को ये लग रहा है ना कि म्यूज़िक लगा दो, म्यूज़िक लगा के ध्यान केंद्रित कर दो और शांत बैठ जाओ, कुछ भी थॉट्स नहीं सुनने, थॉट्स यहाँ यहाँ से कुछ भी जो चीज़ें आ रही वहाँ से उनको भगा दो और बिना थॉट्स के हम क्रिएट होके नहीं क्या शांत हो जाए, देखना आपका मन ही नहीं लगेगा, एक दिन करके देखना। अच्छा, म्यूज़िक लगा दी, आप शांत बैठ जाओ और आपका मन नहीं लगेगा, आप कितनी भी कोशिश करोगे तो आपको याद आएगा नहीं मुझे अभी यहाँ से निकलने के, मेडिटेशन करने के बाद मुझे ये करना है, अभी मुझे यहाँ से उठने के बाद वो करना है, ये चीज़ होती है। कितना भी कोशिश कर ले आपको बहुत सारे काम पता होता है, 10 से 15 मिनट आपका ध्यान लगता ही लगता नहीं है। जो कहते हैं हमारा ध्यान लग चुका है, ऐसी बात नहीं है, उनका भी ध्यान नहीं लगता है, ये सिर्फ क्रिएटिव माइंड में चीज़ें हैं। जहाँ तक ये म्यूज़िक का कंसेप्ट आ गया, म्यूज़िक सुनो और फिर ध्यान जो है अपना लगा लो, वो चीज़ नहीं होती। मेडिटेशन प्रोसेस होता है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि बात क्या होती है कि
इलेक्ट्रॉनिक नहीं है हम, हमारी इंद्रियां जो है ना दिन भर काम करती है। जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद कर दिया वो चीज़ अलग है कि हम बंद कर सकते हैं, हमारे हाथ में कमांड है। हमारे बॉडी को हम कमांड नहीं दे सकते, हमारी ऊर्जा जो है 24 घंटे चलती रहती है। अगर आप कुछ इंद्रियों को ख़त्म कर दो मतलब बंद कर दो तो कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट आपको मिलने वाला है। अगर मैं कह दूँ कि मेरे पैर के नस की पूरी जो वायरिंग है मैं बंद कर दूँ तो मेरा पैर हिलना बंद हो जाएगा जी। तो हम ये चीज़ कर ही नहीं सकते। तो ये हम हो गए कि ना जैसे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, हम इंसान हैं, हम 24 घंटे शांत नहीं रह सकते या फिर हमारी बॉडी की इंद्रियां भी शांत नहीं रह सकती। डेली ब्लड फ्लो हो रहा है मतलब नॉर्मली हमारी ब्लड्स की जो हार्मोन्स क्रिया है वो चल रही है, हर एक वेंस की क्रिया चल रही है, ठीक है, हमारे खाने से लेकर हमारी पाचन क्रिया चल रही है, हमारी आँखें भी जो है देखती रहती है शाम तक, ठीक है। तो हमारा एक एक पार्ट जो है ना ये सुबह से लेकर शाम तक या फिर सुबह तक नहीं सोता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंद्रियां हमारे काम करते हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं जो सबसे पहले जो बड़ा वाला कंसेप्ट है ना कि आप अपने माइंड को शांत कर लो, वो चीज़ होने से ही रही, और ना ही करो तो वही ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम शांत तो हो जाते हैं 10 मिनट के लिए, चलो आपने कुछ थॉट्स नहीं लेके आए और आप शांत बैठ गए, तो क्या हो जाएगा कि अभी तो आप शांत बैठे, फिर उठ से वहाँ से निकलने के बाद किसी ने अगर आपको गाली दे दी या फिर किसी ने कुछ मजाक भी कर लिया तो आपको बुरा लग जाएगा, आपको एंगर आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन मन हो जाएगा, किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर लोगे, तो वो चीज़ कहाँ से आ रही है? ऐसे मेडिटेशन से। ये मेडिटेशन का उल्टा बोलते ना कि रिएक्ट इतने के लिए लग गया। अच्छा, इसलिए लोगों को जानने की जरूरत है कि आपको मेडिटेशन का सही प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास जो भी मेंबर्स आते हैं तो मैं मेडिटेशन बताती हूँ। मेडिटेशन कैसे होता है कि मंत्रों के उच्चारण द्वारा, जैसे हो गया लम वम यम हम ओम, और जैसे कि ये मंत्रों के उच्चारण जो है ना हमारे 7 चक्रस के मंत्रों के उच्चारण हम करते हैं। जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र हो गया तो हम लम का उच्चारण करते हैं, ब्रीथ लेके जो है हमारे लम का उच्चारण होता है क्योंकि गणेश जी का वास है, गणेश जी का वास के लिए बीज मंत्र होता है लम। जैसे कि हम स्वाधिष्ठान चक्र पे आते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसको बीज मंत्र ही कहा जाता है वम। ब्रीथ लेके सांस लेके जो है हम सांस को छोड़ते हैं, ये भी 3 बार करते हैं। फिर आता है नाभि चक्र, उसका मंत्र जो बीज मंत्र जो होता है रम, रम मतलब गुरु देवता का मंत्र। जब हम रम का गुरु देवता का मंत्र का जाप करते हैं तो वही हमारी चीज़ होती है, हमारे पेट में जो भी चीज़ें परेशानी की तरह चल रही है फिर दर्द चल रहा है वो ख़त्म चीज़ें हो जाती है। अनाज चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो यम, यम मतलब हमारे कुल देवता, हमारी माता, ठीक है, हमारी माँ, हमारी आदिशक्ति जो हमारे हार्ट चक्र पर क्रिएट होती है। तो इसके हम बीज मंत्र को जो उच्चारण करते हैं उसका मंत्र जो होता है यम, जो ब्रीत लेके जो है हम यम का उच्चारण करते हैं छोड़ते समय। और साथ ही में जो है जैसे विशुद्ध चक्र हो गया, विशुद्धि चक्रों को भी जैसे कि इनका बीज मंत्र जो होता है वो हम होता है, जो है हम जो है हम फिर से ब्रीत लेके जो इसको छोड़ के जो 3 बार फिर से बोलते हैं जी। फिर से और चीज़ आ गई आपकी अनाज चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जो है आपके फिर से वही काम करता है जो आपको हील करने का, थर्ड आई चक्र को क्रिएट करने का। तो थर्ड आई चक्र को जो जैसे हम क्रिएट करना है तो इसके लिए हम कहेंगे अम, यहाँ पे शिव शक्ति का दोनों का वास होता है, तो शिव शक्ति का जहाँ पे वास होता है वहाँ पे हम अम का उच्चारण करते हैं। फिर आता है सहस्रार चक्र, वहाँ पे हम कहा जाता है जहाँ पे हमारा तालू होता है उसे कहा जाता है सहस्रार चक्र पे जो है, सहस्रार चक्र पे जो मंत्र का जो उच्चारण होता है वो होता है ओम, जहाँ पे कहता है कि हमारे कुंडली शक्ति जागृत होके नहीं क्या, वहाँ पे हमारे सहस्रार चक्र पे कमल खिलता है, जो पूरा प्रॉपरली हीलिंग मॉडलिटीज की मेंटेलिटी होती है। जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो ये मत समझो कि आपके चक्रास खुल रहे हैं या फिर चक्र जागृत हो रहे हैं, चक्र जागृत नहीं होगी वो हील होगी, ब्लॉकेजेस एनर्जी जो होती है वो रिमूव होगी, जो नेगेटिविटी जो आई है आपके चक्रास के ऊपर अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर, तो नेगेटिविटी रिमूव होना। हम हमारे जो जैसे बोलते हैं कि मेडिटेशन जो हम करते हैं, मेडिटेशन एक हीलिंग प्रोसेस है, आपको हील करता है, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को रिमूव करता है और आपके बॉडी को एनर्जी फील करवाता है। हील होना मतलब आपको एनर्जी देना उस पार्ट को, हर एक जगह को आपको एनर्जी क्रिएट करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है कि आपका इसका मेडिटेशन 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में ही मेडिटेशन आपका हो जाता है। अच्छा, सिर्फ 3-3 बार ही जो है आप इसके जो है मंत्र के बीच मंत्र के जो उच्चारण करने होते हैं, बाकी फिर आप आँखें खोल के जो उठ के अपने काम पे लग जाओ, आपको बहुत अच्छा जो है फील हो जाएगा। मेरे जितने भी टैरो कार्ड्स के स्टूडेंट हैं सबसे पहले मैं उनको ये मेडिटेशन सिखाती हूँ। अच्छा। और उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ है, वो कहते हैं कि हमने ऐसा मेडिटेशन कभी नहीं देखा, और ये मेडिटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से फील होता है कि इनको पता चल जाता है कि इन लोगों की नेगेटिविटी जो है ना हर एक चीज़ों से रिमूव हो रही है। और शाम का क्या वक्त सही रहता है मेडिटेशन? शाम को जैसे कि आप थके हारे आए हो, काम से आए हो, तो नहा धो के जो है ना खाना खाने के बाद ही करो, क्योंकि भूख रहती है शाम को आने के बाद,
तो अच्छे से पेट भर के खाना खाने के बाद ही जो आप मेडिटेशन करो रात को सोने से पहले और सो जाओ, आपको फ्रेश फील होगा, ऐसी बात नहीं है। ओके हाँ, तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे मेडिटेशन आपने बताया कि इतना फ़ायदेमंद है, तो क्या हम किसी नेगेटिव एनर्जी के विरुद्ध भी प्रोटेक्शन बना सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू अपने ऊपर? बना सकते हैं, उसके लिए हम चीज़ें सीख सकते हैं। रेकी, रेकी कंसेप्ट होता है कि जैसे कि सामने वाले की तरफ अगर हम हील करते हैं, उनको प्रॉपर हील करते हैं हमारे मेडिटेशन के थ्रू, तो उनकी मेडिटेशन क्रिया अलग होती है। अगर हम मैं एक हाथ बार आपको जो है रेकी पूरा कंसेप्ट जो है ना आराम से समझा दूंगी कि रेकी कंसेप्ट बहुत बड़ा है। रेकी कंसेप्ट से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम खुद ही मेडिटेशन करके सामने वाले को समझा सकते हैं और जैसे उनको हील कर सकते हैं। सामने वाला आपकी बात भी मानेगा और आप उसको हील भी करने लग जाओगे, पर ऐसे मेडिटेशन से आप किसी को ऐसे हील नहीं कर सकते। ये नॉर्मल मेडिटेशन हो गया, ये आपकी खुद के लिए हो गया। आप खुद जो है लोगों की बातों का इफेक्ट आपकी तरफ ना आए, जैसे कि लोगों की बातों का बुरा आपको ना लगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो ना हो, आप किसी भी कार्य में सफलता आपको मिले और आप धीरे धीरे करके आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रही है ये दूर हो जाए, इन चीज़ों के लिए मेडिटेशन किया जाता है। मतलब आपकी लाइफ आप खुद ही अपने हाथ से सॉल्व कर सकते हो, इन चीजों के लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो डॉक्टर खुशी, एक टर्म होता है त्राटक मेडिटेशन, तो आप क्या उसको सीखते हैं, मतलब किस तरह से उसको किया जा सकता है? त्राटक मेडिटेशन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। त्राटक मेडिटेशन ये होता है कि आपके बॉडी में जो जमा हुई जो नेगेटिविटी है, या फिर जैसे बोलते हैं कि हमारे बॉडी में से हमारे चीजें, अगर कुछ चीजों को हम देखते तो वो होते हैं आंखें। जी, आपने अगर मूवी देख ली तो हंस गए, हंसने वाली मूवी देखी तो आप हंसेंगे, रोने वाली मूवी देखी तो आप रो लेंगे, एक्शन वाली मूवी देखेंगे तो आप एक्शन की तरह, मतलब ना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, वो वाली चीज़ें। जैसे कि जीवनचर्या में बहुत सारी चीज़ें होती थी कि किसी किसी की बात को आपको बुरा लग जाना, उसने जो बात बोली है उसका रिएक्ट देख के आपको खराब लग जाना, तो क्या होता है कि आंखों से चीज़ें हमारे यहाँ पे ना कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर लेती है, कुछ भी चीज़ों को लेके, आंखों को लेके। जैसे आपको किसी को देख के जलस होती, क्यों हो रही, क्योंकि आंखों ने देख लिया कि वो आपसे ऊपर जा रहा है। जी, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है ना कि कहीं पे भी आपकी नेगेटिविटी जो जमा होती है वो थर्ड आई चक्र पे जमा होती है, ईगो, बहुत ज़्यादा एंगर, जैसे जेलेसी करना, तो नेगेटिविटी उसको बंद करने के लिए त्राटक किया जाता है। अच्छा, यस। और कहीं ना कहीं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको नज़र लग चुकी है, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेशन हो रहे, गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको पता है कि आप वहाँ से थक चुके हो और कहीं ना कहीं वहाँ से किसी की नज़र आपको लग चुकी है, तब आपको त्राटक करना ज़रूरी है। अच्छा, तो त्राटक क्रिया ऐसी होती है जैसे कि घी का दिया लगाया जाता है शाम के समय, त्राटक क्रिया की जाती है। आप कभी भी सात के बाद कभी भी कर सकते हैं, बंद कमरे में, अंधेरे में भगवान के सामने बैठिए और जहाँ से आपको डर ना लगे और जहाँ पे जो आपने लाइट ऑफ कर देनी है, घी का दिया रखना है, उसमें थोड़ा सा कपूर क्रश करके डाल देना है, एक लौंग डाल देना है, जैसे कि आपकी नेगेटिविटी बंद होकर वहाँ पर रिमूव हो जाए। तो जब आप दिए को देखते हैं कंटिन्यूसली 5 या 10 मिनट देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है, 10 मिनट तक देखना है। 10 मिनट जैसे आप देखते हैं तो वैसे आपके नहीं कि आँखें थोड़ी भारी हो जाएंगी और आपकी पूरी जो अंदर की जो इतनी भी नेगेटिविटी होगी वो नेगेटिविटी बर्न हो जाती है। अच्छा, दिए के साथ? दिए के साथ। तो त्राटक एनर्जी इतना ऐसे इफेक्ट डालती है आपके जीवन में जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर जो नेगेटिविटी आई है ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। आपको किसी से बोलते ना कि मोह नहीं रहेगा, किसी को लेकर जेलेसी नहीं रहेगी, कहीं बाहर से अगर आप आए नेगेटिविटी से ज़्यादा भर चुके हैं, कहीं ग्लैमरस लाइफ में अगर आप ज़्यादा हो तो लोगों के सामने देखे, बाहर लोगों की नज़र आपको नहीं पता होती, अगर उनकी नज़र अगर आपके ऊपर क्रिएट हो चुकी है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, तो वहाँ से नेगेटिविटी आपकी बर्न हो सकती है। जी, तो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि मेडिटेशन हम अपने लिए कर रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या वो पॉजिटिव एनर्जी हम किसी और तक पहुँचा सकते हैं? अपनी पॉजिटिव एनर्जी आप किसी की तरफ पहुंचा नहीं सकते, पर एक्चुअली अगर आपसे कोई बात करने आ रहा है, अगर आप पॉजिटिव हो और जैसे कि आपने मेडिटेशन कर लिया और आप त्राटक कर चुके और काफ़ी पॉजिटिव हो, तो आपके साथ जो है ना बहुत अच्छा इंसान जो सुधरना चाहता है, जो इंसान जो है ना अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, जैसे कि कोई कोई कहता है, जैसे कि आपने भी कहा कि कोई कोई कहता है कि आपसे हमें बहुत सारी चीज़ों का लोकन ज्ञान हो जाता है, नॉलेज मिल जाती है, अच्छा लगता है, तो ये पॉजिटिविटी तो है। जी, आप भी कुछ चीज़ें सीखना चाहो कि इनमें चीज़ें कुछ सीख रहे, अगर आप मेरे से बैठे हो, आप बात कर रहे हो, आप हर चीज़ पूछ रहे हो, तो आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं और पॉजिटिविटी सीखी जाती है। तो यही चीज़ होती है, जब आप पॉजिटिव हो चुके तो आपसे लोग पूछेंगे कि आप कैसे इतने पॉजिटिव हो, आपको, आप ऐसे कैसे रहते हो, आपको देखेंगे, आपकी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर वो पॉजिटिविटी तो जा रही है। ये चीज़ होती है कि आपकी पॉजिटिविटी कैसे लोगों की तरफ ऐसे ट्रांसफ़र हो सकती है, जब इंसान की मतलब ना सीखने की जिज्ञासा हो तभी वो आपके पास आके बैठेगा और आप पॉजिटिव हो तो वही आपकी पॉजिटिविटी को सीखने की कोशिश करेगा कि वही चीज़ हमें भी आ जाए।
जैसे होते ना कोई कोई आइडल्स होते हैं वो काफ़ी पसंद आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी उनकी तरह बनना है, तो उनमें पॉजिटिव इसलिए तो आप बनना चाहते हो। और कुछ लोग भी होते हैं जैसे कि जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार इस इंसान के साथ रहते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान का सागर मिल जाता है और बहुत ऐसा लगता है ना कि लाइफ में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है हम हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनसे सिर्फ बात करके सॉल्व हो जाता है। हमें कुछ बताना भी नहीं होता ना कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, वो आराम से आपको, जैसे होता है किसी का जो ज्ञान होता है ना वो आपके पास पहुँच गए, मतलब आपको ये चीज़ें ऐसे समझ में आ जाएंगी कि वहाँ से हमारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका पॉजिटिविटी का इफेक्ट आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाता है। तो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि कोई मेडिटेशन करना चाहता है और वो नहीं कर पा रहे हैं तो किस किन तरीकों से वो मेडिटेशन कर सकते हैं वो हम जानना चाहेंगे। देखो जो मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट्स होता है कि डेली मेडिटेशन मुझसे नहीं होगा, सबसे बड़ा कंसेप्ट। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, तो वो कंसेप्ट होता है कि जैसे कि मैंने दिन भर काम कर लिया, रात को भी काम होता है, कभी कभी दिन में काम होता है, कभी रात को काम आए तो फिर मैं, मेरा काम का शेड्यूल ठीक नहीं है तो फिर मैं सुबह भी नहीं कर सकती, शाम पे भी नहीं कर सकती। तो जैसे जिनको भी लगता है कि हम नहीं कर सकते और हमें करना है पर कैसे हम कर नहीं पाते, तो एक सिंपल वे, आप जब भी कहीं बाहर से थके हारे आते हो तो रात को सो जाओ सबसे पहली बात, सुबह जब भी उठ जाएंगे तो सबसे पहले एक करना है कि आपने त्राटक कर लेना है, वो भी बंद रूम के अंदर, वो थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी उठ जाए या फिर थोड़ा सा शाम के समय होने का राह देख लो, पहले सबसे पहले त्राटक कर लो। और 10 मिनट ही लगते हैं उसमें? 10 मिनट ही लगते हैं। त्राटक करने के बाद आपका मन हो तो हफ्ते में एक बार तो भी मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करना है तो आप संडे के दिन मेडिटेशन कर लो, संडे का दिन वैसे भी खाली होता है, हर किसी का खाली होता है, तो आप संडे के दिन मेडिटेशन कर सकते हो। अगर कहीं कहीं ना कहीं किसी इंसान का ऐसे हो जाता है ना संडे के दिन भी काम है तो कुछ बीच के दिन, मतलब हफ्ते में तो कहीं ना कहीं ऐसा एक दिन तो मिल ही जाता है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो हफ्ते में एक बार मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। अगर आप हफ्ते में एक बार मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ना कि आप 3-3 बार मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, उसको बढ़ा दो, उसको 6 बार कर दो, उसको 10 टाइम कर लो, आपकी जैसी मन इच्छा हो रही है आप और थोड़ा ज़्यादा कर लो, मतलब जैसे कि वो एनर्जी आपको पूरे हफ्ते भर तक पहुँचे, तो इसलिए मेडिटेशन को बढ़ाना ज़रूरी है जब अगर आप हफ्ते भर में कर रहे हो तो, अदरवाइज तो ऐसे तो मेडिटेशन होने से रहा। जी बिल्कुल। तो इस तरह से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मेडिटेशन की शुरुआत चाहे छोटे से करें तो अपने आप एक पॉजिटिविटी फील होगी तो अपना वो लेवल अपने आप बढ़ाते चले जाएंगे, लेवल भी बढ़ जाता है और कैसे कि लोगों का दृष्टिकोण भी आपकी तरफ जो है ना बदल जाता है, आपकी बॉडी स्किन भी जो है थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अच्छा रिफ्लेक्ट देती है, इफेक्ट आपका काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाता है, आपकी स्किन पर अच्छे से ग्लो आ जाएगा और बहुत बोलते ना कि आपके चेहरे पर वो जो मासूमियत जो होती है ना, वो शांत स्वभाव का चेहरा वो मतलब बार बार जो आपका दिखने लग जाएगा, तो आपको खुद महसूस होगा कि लोग आपकी तरफ बोलते हैं कि कितने पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। मेडिटेशन करना ज़रूरी है, जो आपके चेहरे पे ही चीज़ें दिख जाती है, अगर आप मतलब बोलते हैं कि खूबसूरत रहे ना रहे तो भी वो चीज़ें आपके फेस की तरफ दिख जाती है, मेंटल पीस हमें मिल जाता है बहुत ज़्यादा, सबको दिख भी जाता है और मिल भी जाता है, सेम चीज़ें। जी ओके। तो डॉक्टर खुशी, हमने काफ़ी डिटेल में आपसे जाना कि ये मेडिटेशन के बारे में है, अब एक और टर्म सुनने में आता है लामा फेरा, तो इसके बारे में अब हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे और इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये जो है आया है वर्ड। लामा फेरा टिप्टन पद्धति है, लामा फेरा अगर आप मनाली साइड जाओ कहीं और उससे ज़्यादा आगे चले जाओ, टिप्टन पद्धति नेपाल में जो है काफ़ी ज़्यादा स्थित है, जो यहाँ पे टिप्टन पद्धति लॉट ऑफ जब बुद्धा आए थे यहाँ पे मेडिटेशन की थी, उनकी जो दीक्षा ले चुके जो भिक्षु कहे जाते हैं, तो ये भिक्षु ने जो है जैसे कि इनकी जो चीज़ें जो अभी भी तक जो है स्थापित की गई है, इनमें क्या होता है कि इनके कॉस्ट्यूम अगर आपने देखे होंगे तो मेरून कलर के कॉस्ट्यूम आते हैं, मेरून कलर के कॉस्ट्यूम होते हैं, और जैसे कि ये लोग बाल भी नहीं रखते, सर को बोलते ना कि मुंडवा देते हैं, इनकी साधना होती है और इतनी साधना जो होती है जो लॉट ऑफ बुद्धा की साधना होती है, इनकी इसमें 12 सिंबल दी गए हैं जो आज भी जो है इंटरनेट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, नहीं है तो इसके बारे में जानना हो तो कैसे मतलब पता चलता है? अगर आपको जानना हो तो वहाँ से जैसे कि जो लामा फेरा अभी सीख चुके हैं और लामा फेरा की जो डिग्री लेना चाहते हैं उन्हीं यहाँ से आपको पता चल सकती है चीज़ें। इनके स्केचू माला होती है, स्केचू माला के साथ जो है आपने देखना कि टिप्टन पद्धति से जो है सिंगिंग बाउल मिल जाता है, जो सिंगिंग बाउल जो रहता है वो सिंगिंग बाउल से आपके इतने बॉडी के अंदर इतने वाइब्रेशन होके नहीं कि आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है एक मेडिटेशन के माध्यम से। इनकी साधना इतनी काफ़ी ज़्यादा हायर एनर्जी की तरफ होती है और इनके जो 12 सिंबल जो है आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक एनर्जी आ चुकी है, ब्लैक मैजिक हो चुका है, वशीकरण हो चुका है या फिर कोई बुरी साया या फिर कोई बुरी स्पिरिट आपके पीछे पड़ी है, तो ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता है।
हर चीज़ को हील करने की शक्ति जो है ये लामा फेरा पद्धति में अवेलेबल है। जो ये पद्धति जो है इनकी कुंडली शक्ति भी जागरण की क्रिया भी जो है इनमें तिप्तेन पद्धति में अवेलेबल है, क्योंकि जब मेडिटेशन के द्वारा इनको कुछ सिंबल जो स्थापित हो चुके थे लॉर्ड ऑफ बुद्धा को, जो यही लॉर्ड ऑफ बुद्धा के जो है जहाँ पे भी बहुत सारे इनके जो बोलते हैं ना कि शिष्य बने भिक्षु बने वो आज भी इन रूल्स को जो है फॉलो करते। तो वहाँ से कुछ मेंबर जो जिनको वहाँ पे साधना नहीं करनी पर कहीं ना कहीं अभी हमें भी जो है लोगों की सेवा करनी है ठीक करना है, तो लामा फेरा टेक्निक जो है अभी हर कोई मास्टर सिखाने लग चुका है। मास्टर की डिग्री होती है, इनकी तीन डिग्रियाँ होती हैं। अच्छा, दो तीन डिग्रियाँ जो होती है, पहले होता है कि दो डिग्री जो आप खुद को लेके हील कर सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं, और तीसरी डिग्री होती है जो मास्टर डिग्री। जो मास्टर डिग्री में जो है आप जो इसे जो लोगों को हील कर सकते हैं, कोमा से भी ठीक कर सकते हैं। तो इतनी पावरफुल एनर्जी उनमें अवेलेबल होती है। अगर जो भी आईसीयू में जो है जाके जो है मतलब बोलते हैं कि अपनी आखिरी सांस गिन रहा है, तो वो आखिरी सांस जो है उनकी ना हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं उनके उसमें जो है ना बचाव हो जाए। डॉक्टर की तो रेमेडीज अवेलेबल होती होती है, पर कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर अगर ये क्रियाएँ हम करते हैं जो हीलिंग टेक्निक करते हैं लामा फेरा की, तो उनसे वो इंसान जो है ठीक होने लग जाता है। ऐसे काफ़ी सारे जो मतलब होते ना कि पेशेंट्स थे जिनको हमने ठीक किया है लामा फेरा टेक्निक पद्धति से। अच्छा, यस। तो आप खुद भी लामा फेरा सिखाती हैं? यस, मैं खुद भी लामा फेरा सिखाती हूँ और दीक्षा भी देती हूँ। और ये दीक्षा मैंने काफ़ी टाइम हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं दीक्षा को लेके प्राप्त करके। ये दीक्षा से जो है मैंने काफ़ी सारे घर के लोगों की ब्लैक एनर्जी रिमूव की है, उनका वशीकरण दूर किया है, खास करके उनके घर का वास्तु दोष भी दूर किया है। और जैसे कि पेशेंट्स की तो बात, मतलब नॉर्मली जब कोरोना आ गया था तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स के भी काम इनमें हो चुके हैं, तो लामा फेरा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है और काफ़ी सारे जो लोग जो है इनका फ़ायदा उठा सकते मतलब चुके हैं। अच्छा। तो काफ़ी टाइम से जो है लामा फेरा को लेके जो है मैं कंसेप्ट में काफ़ी ज़्यादा, और ये हीलिंग टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। जब ये हीलिंग टेक्निक ऐसी की जाती है कि जब आप इंसान का 2.5 फेरा लेते हो ना, तो 2.5 फेरे में जो होती है कि इनकी सामने वाले की जो एनर्जी होती है ना वो हम कवर कर लेते हैं, उनके ऊपर प्रोटेक्शन बना लेते हैं। अच्छा। प्रोटेक्शन बनाने के बाद उनकी जो एनर्जी होती है ना वो नेगेटिविटी एनर्जी हम यूनिवर्स में जाके ब्लास्ट कर देते हैं, मतलब यूनिवर्स में जाके जो है ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से जैसे जितनी भी आपकी नेगेटिविटी उमड़ के आ जाती है, ये आपकी कहीं चारों कॉर्नर में नहीं जाती, इसको लेके हम बहुत ज़्यादा सावधान कि आपकी अंदर की नेगेटिविटी जो रिमूव हो रही है वो कहीं आसपास जाके ना कैच हो। तो इन चीज़ों के लिए हम यूनिवर्स में जाके इसको बर्न करते हैं, हील करते हैं, खुद ही सिम्बल्स को लेके सारी चीज़ों को लेके सर से लेके पैर के तलवे तक हम पूरे आपके बॉडी का एक एक पार्ट हील करते हैं। जो ये वही कर सकता है जो एक्सपर्ट हो। हाँ, जो ये कैसे होता है कि इनकी स्टिक होती है, वॉन्ड्स होता है, वॉन्ड से जो है आप दूर से सिम्बल्स निकालते हैं। कोई भी अगर आपके साथ पास से कोई हील कर रहा होगा वो हीलिंग्स नहीं होगी, हीलिंग्स डिस्टेंस ही होती है, काफ़ी डिस्टेंस होता है। आप ऐसे सिर्फ लोटे हो और हम सिर्फ ऐसे खड़े होके जो डिस्टेंस ही हीलिंग्स होती है, ये किसी को भी अनुमति नहीं है। जैसे कि डॉक्टर को ही सिर्फ अनुमति होती है कि आपको टच करें, बाकी हीलिंग मेंबर कोई भी हीलिंग मेंबर जैसे कि रेकी हो गई, लामा फेरा हो गया, ये हीलिंग मेंबर कभी भी किसी को टच नहीं करते, डिस्टेंस हीलिंग से ही काम करते हैं। और जो डिस्टेंस हीलिंग से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम टच करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यस। और एक्सपर्ट ही कोई इसे कंडक्ट कर सकता है? यस, कर सकता है। और हीलिंग टेक्निक जो जैसे कि है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि 40 to 50 minutes लगते ही लगते हैं। अगर असल में लामा फेरा कर रहा है तो उसके लिए 40 to 50 minutes लगेंगे ही लगेंगे। उनके मंत्रोच्चारण होते हैं, जैसे कि उनके मंत्रोच्चारण होते हैं लॉर्ड ऑफ बुद्धा के, लॉर्ड ऑफ बुद्धा के मंत्रोच्चारण कहा बोला जाता है। और मंत्रोच्चारण से जो है सिंबल्स ड्रॉ किए जाते हैं बॉडी के ऊपर, और जो है भगवान की जो बोलते हैं ना कि इच्छा के अनुसार जैसे कि इंटेंशन देने के बाद जो है कि आप हील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसी में आपके जैसे कि रिलेशनशिप सॉल्व करना, रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें आ रही वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आपकी जैसे शादी नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी टाइम से हेल्थ ख़राब है और ठीक नहीं हो पा रही, डॉक्टर भी इसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे, घर पे कुछ चीज़ें ऐसी अननेसेसरी हो रही कि जहाँ से घर पे पैसे की मतलब पैसे की बारिश नहीं होना, या फिर कहीं ना कहीं पैसे को लेके दिक्कतें होना जी, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होना कि घर पे जैसे बोलते हैं ना कि आए घर पे तो नेगेटिविटी फील होना, अच्छा नहीं महसूस होना, तो वो घर की भी जैसे कि हीलिंग्स हो जाती है। क्योंकि आप कितना भी वास्तु का थोड़ा सा कभी कभी कंसल्ट कर लो, पर जो जहाँ से नेगेटिविटी आनी है, जो जहाँ से कुछ ने किसी ने क्रिया आपके ऊपर की है, तो वो चीज़ें क्रिया आपके ऊपर होती ही होती है। अच्छा,